बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? होप सो बिल्कुल ठीक होंगे। सर्दियों में खांसी और नज़ले से महफूज रहने के लिए मुफीद टोटके। व्यूअर्स, हम सब जानते हैं कि सर्दियों में नज़ला, जुकाम और खांसी हम में से बेशतर को लाहक होने वाले अमराज हैं। बदकिस्मती से पिछले दिनों होने वाले कोरोना वायरस, जो एक वबाई मर्ज है, इसने सूरत हाल को मज़ीद तशवीशनाक बना दिया है। दारचीनी एक ऐसा मसाला है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट की मकदार काफ़ी ज़्यादा होती है, और जब गले में सोजश हो रही हो तो ये बलगम बनने की मकदार कम करके सांस लेना आसान बनाता है। कहवा, एक से डेढ़ कप पानी को उबाल लें। जब पानी उबलने लगे तो उसमें एक से दो दारचीनी के टुकड़े डालकर 3 मिनट तक मज़ीद उबालें। इसके बाद इसमें सब्ज चाय को शामिल कर दें और थोड़ी देर रख दें ढककर। फिर छानकर हल्का नीम गर्म कहवा इस्तेमाल करें। अदरक, क्या आप जानते हैं कि अदरक वर्मकश खसूसियात रखता है और बैक्टीरिया से भी मुकाबला करता है? अदरक का कहवा, एक अदरक को छीलकर छोटे टुकड़ों में काट लें और उसे पीसकर रख लें। इसके बाद एक पैन में 3 कप पानी डालें और इसमें अदरक डालकर दरमियानी आंच पर उबलने दें। 5 मिनट तक उबालें और फिर इसको छानकर कुछ मकदार में शहद का इजाफा करके हल्का नीम गर्म इस्तेमाल करें। व्यूअर्स, जरासीम कश और जिस्मानी मदाफती निज़ाम मजबूत करने की सलाहियत रखने वाला ये मशरूब गले के लिए ऐसा तेजाबी माहौल बनाता है जो कि वायरस और बैक्टीरिया की निशोनुमा को बहुत ही मुश्किल बना देता है। लीमू, व्यूअर्स, क्या आप जानते हैं कि लीमू में विटामिन सी की मकदार काफी ज्यादा होती है, जो कि मौसमी नज़ला जुकाम के खिलाफ लड़ने में मदद देता है। शहद, क्या आप जानते हैं कि शहद के मुतअद्दिद तिब्बी फायदे हैं? एक चाय का चम्मच शहद चाय में मिलाना या ऐसे ही खा लेना भी गले की सोजश में कमी ला सकता है। सो सर्दियों में खसूसी तौर पर शहद का इस्तेमाल किया करें, मगर इसके असरात को बेहतर बनाने के लिए इसमें 2 से 3 कतरे कलौंजी के तेल के भी शामिल कर लिया करें। ये तेल वर्मकश होता है और गले की तकलीफ में फौरी सुकून पहुंचाने में मदद दे सकता है। नमक, ये एक इंतहाई मौसर टोटका है। नमक मिले पानी से गरारे करने से तकलीफदार सूजन में कमी आती है, जबकि बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। इस मकसद के लिए आधा चाय का चम्मच नमक एक गिलास गर्म पानी में मिलाएं और फिर 1 से 2 मिनट तक गरारे करें। इसका पानी निगलने से ग्रेस करें और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज भी सादा पानी से गरारे करें। पानी की भाप गले की सोजश में कमी लाने के लिए मदद फराहम करती है। इस मकसद के लिए एक प्याला या देगची लें। इसमें पानी को बॉयल करें और फिर इस पानी से भाप लें। यकीन कीजिएगा, बहुत ही रिलीफ मिलेगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें, और साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसको लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।